हाय दोस्तों, स्वागत है आपका राम्स लाइफ चैनल पर। टेम्परेचर है अभी अराउंड -9 डिग्री सेंटीग्रेड एंड विंटर स्टॉर्म की वार्निंग दी गई है। आज 7:20 हो रहा है अभी, मेरी 8 बजे के आज शिफ्ट है, सो जा रहा हूँ अभी। मेरे पीछे का आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट अभी थोड़ी सी रोशनी है सो आप शायद थोड़ा देख पाओ। ये सारा व्यू है मेरे बिहाइंड का एंड मेरे पीछे मेरी गाड़ी की क्या हालत है देखो दोस्तों, ये सिचुएशन है मेरी गाड़ी की। या दोस्तों को देखा किस तरह की कंडीशन है अभी, ऐसी हार्श कंडीशन में मैं पहली बार ड्राइविंग करने जा रहा हूँ। 7:22 हो रहा है, 8 बजे को मेरी ड्यूटी है, सो मुझे पहुँचना होगा टाइम पर। जल्दी निकलने का सोचा बिकॉज वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, सो ऐसी कंडीशन में मैंने कभी भी ड्राइव नहीं किया, पहली बार ड्राइव कर रहा हूँ। देखा किस तरह से मैंने गाड़ी क्लीन की थी, गाड़ी के आगे भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, बट मैंने अभी अभी आगे का हीटिंग स्टार्ट किया था, सो यहाँ से ये हॉट एयर को फोर्स करेगा मिरर के ऊपर, सो उसके बाद हम देख पाएंगे। सेम कंडीशन पीछे भी है, पीछे अभी कुछ नहीं दिख रहा है बट थोड़ी देर के बाद दिखेगा। मैंने पीछे का हीटिंग भी ऑन कर दिया है मिरर का, तो यहाँ की गाड़ी में इस तरह की फैसिलिटीज होती है। सो मैं कैमरा आगे रखता हूँ, पता नहीं आप लोग देख पाओगे कि नहीं। ऐसी कंडीशन में सबसे पहली चीज़ तो आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि ज़्यादा एक्सीलेटर मत डालें, सभी के सभी कांच को क्लीन कर लें गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप बाहर देख पाओ। और गाड़ी में एक आध एक्स्ट्रा जैकेट रख ले या पानी की एक बोतल रख ले एक या दो, और उसके अलावा कुछ गर्म चीज़ें मतलब रख ले, जैसे कि कंबल हो गया या फिर जैकेट हो गया, कुछ भी जो भगवान ना करे बट ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए सो आप उस सिचुएशन में अपने आप को गर्म रख सको। मतलब यहाँ पर गाड़ी स्कीड होने का रिस्क रहता है कभी कभी,
कुछ भी हो सकता है, सो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, स्कीड हो सकती है, सो ऐसी सिचुएशन में आपको गाड़ी अगर ऑन नहीं होगी अपने आप को आप गर्म नहीं रख पाओगे और उस सिचुएशन में काफ़ी वर्स्ट कंडीशन होती है, लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है। सो एक दो जैकेट रख ले गाड़ी में एक्स्ट्रा, या फिर कंबल रख ले जो आपको गर्मी दे सके। कंडीशन बहुत ख़राब है, आप पता नहीं आप लोग आगे देख पा रहे हो कि नहीं। अभी स्नो बंद हो चुका है इसलिए थोड़ा अच्छा है, अदरवाइज़ मैं जब मेरे फ्रेंड को थोड़ी देर पहले छोड़ने के लिए गया था 1.5 घंटे पहले, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्नो था और डार्क भी ज़्यादा था स्नो की वजह से। हालांकि अभी थोड़ी लाइट लग रही है बिकॉज एवरीथिंग इज वाइट वाइट राइट नाउ। दूसरी चीज़ कि ऐसी सिचुएशन में कभी भी गाड़ी तेज़ ना चलाएं, जो जैसा कि अभी अभी रजाइना पुलिस यानी कि सस्केटून स्टेट की जो रजाइना सिटी की पुलिस है उनकी अभी अभी एक नोटिस आई हुई थी कि गाड़ी की जो स्पीड लिखी हुई है, मतलब जो मैक्सिमम स्पीड वहाँ पर रोड्स पे अलाउएबल है, वो स्पीड एक्चुअली आइडियल कंडीशन के लिए है। सो अभी जो कंडीशन ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है, सो ऐसी कंडीशन में कभी भी वो आइडियल स्पीड को फॉलो ना करें और अपनी अपने हिसाब से मतलब डिसाइड करें कि कितनी स्पीड पे मुझे जाना है। स्लो जाए, ज़्यादा फास्ट मत जाए, दूसरी गाड़ी से डिस्टेंस बनाए रखें। जब आप टर्निंग ले रहे हो उस टाइम पर ज़ोर से ब्रेक ना मारें, जब आपका स्टीयरिंग व्हील स्ट्रेट है उस टाइम पर ब्रेक मारें बट ज़ोर से ना मारें, स्लो स्लो ब्रेक मारें। टर्निंग के टाइम पर बिल्कुल भी ब्रेक ना मारें। विंटर टायर नहीं है तो विंटर टायर डलवा लीजिए, मेरे पास ऑल वेदर टायर है, अभी उसी पे मैं चला रहा हूँ। अभी तक मेरी गाड़ी में मुझे स्कीड का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अगर वो स्कीड होती है तो मैं फ्यूचर में देखता हूँ, फिर विंटर टायर डलवा लूँगा। रोड्स की जो लाइंस है वो कुछ दिखता नहीं है, एवरीथिंग इज़ वाइट, सो अपने साइड पर रख के चलाएं गाड़ी, सभी साइड पे देखते रहे, कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा है तो पहले से थोड़ा स्लो हो जाए आप। सो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे पीछे एक गाड़ी आ रही है बट वो अपना डिस्टेंस बढ़ा के चल रही है, मेरी स्पीड है अभी 30 से भी कम, सो थोड़ी मैं तेज चला सकता हूँ बट हालांकि मेरी ये पहली टाइम है ऐसी कंडीशन में चलाना, इसलिए मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ। और बिल्कुल भी ना डरिए अगर आपके पीछे कोई गाड़ी आ रही है, सो स्लो चलाइए अपनी स्पीड में, आपको जितना कंफर्टेबल लगता है उस स्पीड में जाइए, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में कभी कभी बहुत बुरी कंडीशन होती है अगर आप ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हो, रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हो, स्पीड अपनी बढ़ा लेते हो। सो अभी भी मैं 30 पे चल रहा हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड 50 है, आगे जाके मैं हाईवे पर भी मर्ज करने वाला हूँ, सो देखता हूँ क्या सिचुएशन होगी हाईवे पर। आई होप कि आप लोग आगे देख पा रहे होंगे कैमरा से, बिकॉज मुझे बिल्कुल पता नहीं और मुझे अभी कैमरा सेट करने का मेरे पास टाइम भी नहीं है। कोई नहीं है, बहुत दूर है, लोग मैं टर्न ले सकता हूँ आराम से, सभी मैंने टर्न ले लिया है। मुझे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाना है, पीछे एक गाड़ी आ रही है बट अभी काफ़ी दूर है, सो मैं एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में निकल जाता हूँ आराम से। ये मैं निकल गया एक्सट्रीम लेफ्ट में, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है 60, तो गाड़ी कैसे जा रही है बट मैं अभी भी बहुत स्लो हूँ। और ये मेरी स्पीड अभी है 40, थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ। इतने लेट जॉब पे जाने का एक फ़ायदा ये है दोस्तों
आपको जो रोड पर जो बर्फ है वो मोस्टली दूसरी गाड़ी की वजह से, चलने की वजह से थोड़ी स्प्रेड हो चुकी होती है, सो स्कीड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बट अगर आप अर्ली मॉर्निंग पे ड्यूटी पे जा रहे हो उस टाइम पे थोड़ा आपको संभाल के जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर पूरी रात बर्फ़ गिरती है और आप पहले ड्राइव करने जा रहे हो सुबह सुबह, सो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा संभाल के चलें। यहाँ से मुझे टर्न लेके हाईवे पर मर्ज करना है, सो मैं थोड़ा आराम से जाऊँगा। थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे वैसे तो, ये दो गाड़ी जाने के बाद मैं आराम से जा सकता हूँ, सिग्नल भी ग्रीन है और यहाँ पर भी सिग्नल पर थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। अगर सिग्नल बंद हो जाता है येलो होने के बाद भी, आपका अगर ग्रीन सिग्नल आता है फिर भी थोड़ा देख लीजिए कि दूसरी गाड़ियाँ अभी भी जा रही है कि नहीं, वो स्टॉप हो चुकी है कि नहीं, उसके बाद ही आप स्टार्ट करें आगे जाना। हाईवे पर कोई नहीं दिख रहा है, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ मैं। ये देखिए दूसरे गाड़ी के जो टायर्स के निशान आगे देख रहे हैं आप लोग, मैं उसी पे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैंने स्पीड कर दी है 50। पीछे मुझे अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, बिकॉज गाड़ी के ऊपर जो स्नो था ना वो मैंने पूरी तरह से क्लीन नहीं किया और उसी की वजह से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है कि आगे मर्ज हो गया हूँ मैं हाईवे पर। बट मुझे कुछ नहीं, रोड समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ओके, बिकॉज इस साइड जो राइट साइड आप लोग देखो तो वहाँ पर ड्राइव नहीं किया गया है, वहाँ पर एक्चुअली काफ़ी स्पेस है, वहाँ पर ड्राइव नहीं किया गया है, सो यहाँ पर ही ड्राइव इस साइड ज़्यादातर गाड़ियाँ ने की है। इसी आगे एक येलो कलर में आपको बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा है स्लो डाउन आईसी कंडीशंस। सो मैं अभी हाईवे पर भी सिर्फ 50 पे चल रहा हूँ, थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ, पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं। बट ये डेफिनेटली पक्का है कि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जाने वाला हूँ, जो भी हो जाए उनको जाना है तो ओवरटेक करके जा सकते हैं मुझे, और ये बंदा जाने वाला है मुझे ओवरटेक करके, जाने दो मुझे परवाह नहीं है, मैं अपनी स्पीड पे ही चलाऊँगा। जाओ सब लोग जाओ, बट मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं जाने वाला हूँ, वो पक्की बात है। थोड़ा राइट साइड मैंने गाड़ी दबा दी थी बिकॉज़ वो लोग आगे जा सके इसके लिए। इसी आगे दो गाड़ियाँ देख रहे हो, वो ऐसी कंडीशन में कभी कभी कोलाइजन हो सकता है अगर पीछे की गाड़ी स्कीड हो जाए तो। और अभी मेरे राइट साइड के टायर के पास मुझे कुछ हार्ड बर्फ पे चला ऐसी फीलिंग आई थी। यहाँ पर एक्चुअली तीन लेन है, मैं एवरीडे यही रोड यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे पता है मैं बीच की लेन में चल रहा हूँ, पता नहीं कितना परफेक्ट हूँ बट मैं अभी बीच की लेन में हूँ इतना मुझे पता है। राइट साइड की लेन से आप यूनिवर्सिटी जाता है जाना चाहते हो तो राइट साइड की लेन में से आपको राइट लेना है, मैं 50 से ऊपर नहीं जाने वाला हूँ कुछ भी हो जाए, मैक्सिमम 60, अभी मैं 60 पहुँचा हूँ। पीछे एक और गाड़ी आई थी उसको जाना है तो मुझे ओवरटेक करके जाए, मैं स्पीड में नहीं जाने वाला हूँ, मुझे तो भैया डर लग रहा है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी यह है दोस्तों कि कोई हॉर्न नहीं बजाता, अगर आप अपनी स्पीड में जा रहे हो पीछे से आके कोई हॉर्न बजा के नहीं बोलेगा कि, मतलब ऐसा नहीं करेगा कि स्पीड में जाओ अपने भाई, सो ये एक अच्छी बात है। सो ये जो राइट टर्न है मेरा वहाँ से आप यूनिवर्सिटी जा सकते हो, बट मुझे सीधा जाना है सो मैं यही ट्रैक पकड़ के रखूँ।
साइड का पूरा खाली है, जिसको जाना है वो ओवरटेक करके जाए। टच हुई है मेरी स्पीड अभी। पता नहीं इतना सब कुछ मैं बोल गया बट आप लोग कुछ आगे देख पा रहे हो कि नहीं। वैसे ऐसी सिचुएशन में स्किड होना पॉसिबल नहीं है, अगर आप सीधा जा रहे हो तो बहुत कम चांसेस है, बट अगर आप ब्रेक मार रहे हो उस टाइम पर संभालने की ज़रूरत है। अभी मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ बिकॉज रास्ता मुझे क्लीन लग रहा है। सो 70 की स्पीड पे हूँ अभी मैं। वैसे जब नॉर्मल कंडीशंस में भी मैं 80-90 से ऊपर नहीं जाता हूँ। वैसे यहाँ पर मैक्सिमम अलाउबल स्पीड 100 की है रिंग रोड पर, पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। पीछे की गाड़ी डिस्टेंस बना के चल रही है मुझसे। सो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। जो आप नॉर्मल रेगुलर कंडीशंस में जितना डिस्टेंस रखते हो उससे ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है आपको। अदरवाइज़ अगर आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारती है कभी कुछ ऐसी चीज़ों में, अभी मैं 70 पे हूँ और स्पीड कम करता हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा टर्निंग आ रहा है। 60 कर दिया स्पीड। ये टर्निंग इतना है ना कि मैं नॉर्मल कंडीशंस में भी मुझे इस टर्निंग पे डर लगता है। सो ये तो विंटर कंडीशन में मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं जाने वाला। पीछे वाला पेशेंस नहीं रख रहा है, वो मेरे साइड में से आके आगे जा रहा है। जाओ भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे कोई नहीं है तो अच्छा है, बिकॉज ये लोग को पता नहीं क्या मज़ा आता है स्पीड में चलाने में, मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। यहाँ से मुझे अल्बर्ट स्ट्रीट सिटी सेंटर में राइट लेके एग्ज़िट करना है। सिग्नल दे देता हूँ मैं। स्पीड है मेरी अभी 60 की, पीछे और दो गाड़ियाँ आ रही हैं। इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। जब आप टर्न लेके दूसरे रोड पे जा रहे हो, मतलब मेरे पीछे एक और गाड़ी है। अब ये रोड का तो भाई आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ रोड है। अच्छा, अब थोड़ा दिख रहा है मुझे। स्पीड है मेरी 50 अभी। बोर्ड पे आगे लिखा हुआ है 70 की स्पीड से आप जा सकते हो। यहाँ पर 50 पे मैं चला रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बट अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था मुझे इतना चलाने के बाद। 7:40 हो रहा है, मेरी जॉब स्टार्ट होगी 8 को। सो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ से एक्सट्रीम लेफ्ट में मुझे चले जाना है। ये मैं पहुँच गया एक्सट्रीम लेफ्ट में, इसको आगे जाना है। तो चाहे मैं अपनी स्पीड ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर है मैक्सिमम 50 की स्पीड, मैं जा रहा हूँ करीबन 35। ये पीछे वाला जनाब अच्छा लग रहा है मुझे, वेशन सट के आ रहा है पीछे पीछे। दुनिया है दोस्तों। और ये हो गया सिग्नल येलो और यहाँ पर मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। थोड़ा स्टॉप लाइन के मैं आगे आया था बिकॉज मुझे कुछ दिख नहीं रहा था एक्चुअली, इसीलिए थोड़ा आगे आ चुका हूँ मैं स्टॉप लाइन के। चलेगा, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है अभी, इसलिए
आशा रखता हूँ कि इस वीडियो से दोस्तों आपको सस्केचवन के विंटर की कंडीशंस के बारे में बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। पिछले साल अगर इस कंडीशन में आपके पास गाड़ी नहीं और शिफ्ट है तो आप सोच लो कि आपकी क्या हालत होगी। वैसे बस में बैठने के बाद आपको फिकर करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिपेंड्स करता है कि आपके हाउस से बस स्टेशन कितना दूर है, और ऐसी कंडीशन में बस थोड़ी लेट हो सकती है और आप बस मिस होना भी नहीं चाहोगे अगर बस एकदम टाइम पे आती है और आप लेट पहुंचते हो तो वो ऐसी कंडीशन में। सो डिपेंड ये भी करता है कि आपके हाउस से बस स्टेशन कितना डिस्टेंस पे है, उतना आपको वॉक करना होगा। बस से उतरने के बाद आपका जॉब का डेस्टिनेशन कितना दूर है उस पर भी डिपेंड करेगा, आपको चलना पड़ेगा। नॉर्मल शूज़ में आप नहीं चल पाओगे अच्छे से, गिरने के चांसेस है, ठंड लगने के चांसेस हैं। सो विंटर शूज़ की आवश्यकता है और वो आपको परचेस करने पड़ेंगे दोस्तों, करीबन नियरली $100 के आसपास मिल जाएंगे आपको, थोड़े से अच्छे वाले विंटर जैकेट चाहिए, थर्मल आप पहन सकते हो इनसाइड जो आपको वार्म रखे। लास्ट ईयर मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी, लकीली इस साल भगवान की मेहरबानी के और आगे पेडेस्ट्रियन जाने वाला है, सो रेड सिग्नल आया, मैं स्टॉप करता हूँ। देखो इस तरह से आपको डिस्टेंस बना के चलना होगा। मेरे पीछे वाली गाड़ी ने डिस्टेंस बनाया हुआ था इसलिए वो दूर रुके हुए हैं, और ये पेडेस्ट्रियन जा रहे हैं। अभी इतनी कंडीशन है बट ठंड कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, -7-8 है। -45 या फिर ऐसी कंडीशन आती है तब आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। जाना है पूरा, गाड़ी कोई नहीं है ना कोई पेडेस्ट्रियन है, सो मैं इजीली निकल सकता हूँ, और ये मैं निकल गया। टायर्स पे इतनी सारी बर्फ, मतलब फील हो रही है ना मुझे कि मैं मिट्टी में चला रहा हूँ ऐसा लग रहा है, बट ये सारी बर्फ है। पीछे एक गाड़ी आ रही है बट मुझे यहाँ से टर्न लेना है अंदर। यहाँ पर किसी ने गाड़ी नहीं चलाई, मैं चलाने वाला हूँ। उसी आगे कितनी सारी बर्फ है दोस्तों, और मैं पहुँचने वाला हूँ मेरी जॉब की डेस्टिनेशन पर, जो कि है एक शॉपर्स ड्रग मार्ट। 7:44 हो रहा है, 8 बजे है मेरी ड्यूटी। अच्छी बात यह है कि मुझे बिल्कुल भी स्कीडिंग जैसा फील नहीं हुआ है, सो आई थिंक ये टायर पे मैं इस टायर पे मैं ज़्यादा अच्छे से चला सकता हूँ। थोड़ा बेफिक्र होकर गाड़ी में चला सकता हूँ इस टायर से। सो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ जॉब पे, एंड आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो गाइस। आशा रखता हूँ कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो को देखकर। और अंदर जाने से पहले मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ, मास्क भूलना ज़रूरी नहीं है। कंडीशन जितनी भी ख़राब हो, कोरोना वायरस तो है ही, सो ये आपको पहन के चलना पड़ेगा। अंदर जाके हैंड सैनिटाइज़ भी करने पड़ेंगे, और ये तो चलता ही रहेगा। बट ये सारी कंडीशंस थी विंटर की।
जो मैंने ड्राइव किया आपने वो सब देखा। सो ऐसा होता है विंटर इन सस्केचवन, विंटर स्टॉर्म है आज। सो चलिए अभी मैं जाता हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले राम्स लाइफ चैनल को। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर माय फ्रेंड्स एंड बाय।